खबर शामिल करते हैं हासलपुर से। हमारे नुमाइंदे याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी, कारकुन तैयार, काफले रवाना हो गए। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लाहौर जलसा के लिए साबिक वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा, साबिक एमपीए मोहम्मद अफजल गुल की कयादत में काफले लाहौर की तरफ रवाना हो गए। मियां नवाज शरीफ के आने के बाद अक़वाम आलम में पाकिस्तान का इज्जत का मकाम होगा। साबिक वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा और साबिक एमपीए मोहम्मद अफजल गुल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह तरक्की का नया दौर शुरू होने वाला है। हमारे लीडर के आने से पाकिस्तानी कर्जों और गुरबत की लकीरों को खत्म करता हुआ खुशहाली की तरफ जाएगा और रोजमर्रा की चीजें आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह महंगाई का दौर खत्म होने वाला है। मियां नवाज शरीफ के आने से पूरे मुल्क में खुशी का समा होगा, खुशहाली का दौर शुरू होने वाला है। मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। मुस्लिम लीग पुरजोश कारकुनान की कसीर तादाद जलसे में शिरकत के लिए अपने एमपीए और एमएनए के साथ लाहौर की तरफ रवाना हो गए। कारकुनों के शेर आया के नारे भी लगाए। मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद गाड़ियों और बसों में लाहौर जलसागाह के लिए गुल हाउस से रवाना हो गई। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाब का न्यूज़।